जय हिंद दोस्तों, दुनिया समय के अनुसार बदली है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया भर के तमाम देशों ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की है। औपनिवेशिक शासन से आजाद होने के बाद कुछ देशों ने अपनी व्यवस्थाएं बदली तो कुछ ने अपने नाम भी बदल लिए। उदाहरण के लिए जिम्बाब्वे को अंग्रेजी शासन के दौरान दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता था, वहीं आज उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया हो गया है। इसके अलावा कभी जायरे के नाम से मशहूर देश अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। इसके अलावा भी कई और देश हैं जो आज अपने नाम बदल चुके हैं, तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, स्वाजीलैंड बना द किंगडम ऑफ स्वातिनी। स्वाजीलैंड अफ्रीका का एक ऐसा देश है जो हाल ही में अपने नाम को बदल देने को लेकर चर्चा में है। स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय ने अपने देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ स्वातिनी रख दिया है। स्वातिनी का मतलब है स्वाजियों की भूमि। अफ्रीका में ये एक ऐसा देश है जहां अब भी राजशाही व्यवस्था है। ये देश अपने राजाओं के ऐशो आराम की जिंदगी के लिए भी मशहूर है। ब्रिटेन से आजादी मिले इस देश को इसी साल 50 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके पर इस देश ने अपने नाम में परिवर्तन का जश्न मनाया। नंबर दो, बर्मा बना म्यांमार। म्यांमार कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी रंगून थी। इसका नाम म्यांमार हो चुका है और राजधानी नैपिताव है। सैन्य सरकार ने 1989 में जब इस देश का नाम म्यांमार रखा तो जापान और फ्रांस सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन लंबे समय तक इसे नकारते रहे। म्यांमार में अब सैन्य सरकार का अंत हो चुका है। वैश्विक समाज अब म्यांमार को गंभीरता से लेने लगा है, वहीं म्यांमार नाम को अब वैश्विक स्वीकार्यता मिल चुकी है। नंबर तीन, फ्रांस और जॉर्डन बना जॉर्डन। जॉर्डन ब्रिटिश शासनकाल में ट्रांस और जॉर्डन नाम से जाना जाता था। पहले विश्व युद्ध तक एक देश के रूप में जॉर्डन का कोई अस्तित्व नहीं था। लड़ाई के बाद कुछ समय तक ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का कब्जा फिलिस्तीन और उससे जुड़े इलाकों पर रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948-49 में जॉर्डन का गठन किया गया और ब्रितानी सेना वहां से निकल आई। 1946 में ट्रांसजॉर्डन को अनौपचारिक रूप से आजादी प्राप्त हुई और 1949 में इसने अपना नाम बदलकर द हाशिमिते किंगडम ऑफ जॉर्डन कर लिया। दरअसल जॉर्डन वहां की एक नदी का नाम है और उसका अस्तित्व ईसा मसीह से जुड़ा हुआ माना जाता है। नंबर चार, फारस बना ईरान। 1935 तक यह देश फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इस देश ने औपचारिक घोषणा की कि इसे अब ईरान के नाम से जाना जाए। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद इसका औपचारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रख दिया गया। इसके बावजूद ये ईरान के नाम से प्रसिद्ध है। इस्लाम धर्म ही ईरान का राजधर्म है। यहाँ शिया मुस्लिम ही बहुमत में है। शिया के बाद सुन्नी मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी है। उनके अलावा यहूदी, ईसाई और बहाई भी ईरान में रहते हैं। नंबर पांच, भारत का पड़ोसी श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से आजाद होने के पहले तक सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका में आजादी आंदोलन के दौरान इसका नाम सीलोन से बदलकर श्रीलंका रखने की मांग उठने लगी। सन 1972 में इस देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका रखा गया, फिर बदलकर 1978 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका कर दिया गया। अब इस देश को श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। नंबर छह, अबिसिनिया बना इथियोपिया। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित अबिसिनिया का नाम वहां के हेले सेलासी ने बदलकर इथियोपिया रख दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस देश का नाम हमेशा से यही रहा है। अबिसिनिया नाम को अरब के लोगों ने प्रचलित किया। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। नंबर सात, बेचुआना लैंड बना बोत्सवाना। ब्रिटिश औपनिवेश के दौरान बोत्सवाना का नाम बेचुआना लैंड था। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित बोत्सवाना को 1885 में ब्रिटेन ने औपनिवेश बनाया और 1966 में इसे आजादी दे दी। आजादी के बाद वहां के सबसे बड़े जातीय समूह त्वाना के नाम पर इस देश के नाम को बेचुआना लैंड से बदलकर बोत्सवाना रख दिया गया। नंबर एट, लांगाई।
मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो 1960 में ब्रिटिश औपनिवेश से रिपब्लिक ऑफ कांगो के रूप में आजाद हुआ। 1965 में इस देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नाम दे दिया गया। 1971 में एक बार फिर इसे रिपब्लिक ऑफ जायरे नाम दिया गया, लेकिन फिर बाद में ये देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नाम से जाना जाने लगा। क्षेत्रफल के लिहाज से कांगो अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 9, अपर वोल्टा बनाम बुर्किना फासो। दो मुख्य भाषाओं के नाम पर इस देश का नाम बुर्किना फासो रखा गया। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मूरे में बुर्किना का अर्थ ईमानदार लोग होता है, वहीं ट्यूला में फासो का अर्थ पितृभूमि है। पश्चिमी अफ्रीका में बसे इस देश को ईमानदार लोगों का देश भी कहा जाता है। नंबर 10, रूस। 1917 की साम्यवादी क्रांति से बने 15 लोकतांत्रिक गणराज्यों वाले सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके फलस्वरूप आज ये रूस के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई देश हैं जिन्होंने अपने विघटन के बाद नए नाम रख लिए। अगर आप भी ऐसे ही किसी अन्य देश के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सुमित सैनी IQ को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।